हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें दिया है एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द चिमनी एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेकेंड चिमनी विच इज 150 मीटर हाई। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल एज फर्स्ट आर थीटा एंड फाइव रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, देन टेन थीटा बराबर 4/3 और टेन फाइव बराबर 5/2 दिया है। ठीक है, तो इसको देखो, टॉप पे इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये हमारा इसका डायग्राम बनेगा बच्चों। यहां से एक सीधा ये टॉप तक जाएगा, ठीक है, और इसको अपन इससे मिला देंगे, ये हमारा यहाँ से ये इससे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये अपन इसको नाम दे दे, ये मेरा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है, इसको बोल लेंगे डी और इसको नाम दे देंगे अपन ई। ठीक है, ये चार पॉइंट हमारे हो गए, ये हमारा एच बोल देंगे हम इसको, और ये हमारा पूरा 150 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है बच्चों, ये 150 मीटर है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया x, ठीक है, अब यहाँ से एक एंगल यहाँ भी बनेगा, तो बना लो भैया ये वाला एंगल भी, ये हमारा बन जाएगा, इसको हम बोल लेंगे d। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सॉरी, ये पे बनेगा थीटा, और ये वाले को अपन क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये जो बनेगा इसको फाइव बोल देंगे। ठीक है, तो हमें दिया क्या है बच्चों, हमें टेन थीटा बराबर दिया है, यहाँ पे ये दिया है टेन थीटा बराबर 4/3 और टेन फाइव बराबर 5/2 दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसमें, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई में। ठीक है, ए बी ई में, तो ट्राइंगल ए बी ई में क्या हो जाएगा मेरा, टेन फाइव लग जाएगा यहाँ पे, टेन फाइव, तो टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 150 अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, डी की वैल्यू मिल जाएगी 150, और टेन का यहाँ बदल जाएगा, क्वार्ट में बदल जाएगा, तो ये क्या बोल जाएगा, क्वार्ट फाइव बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 150 इंटू 2/5, मतलब ये मिल जाएगा मेरे लिए कितना, 60 मीटर। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं अपन, ट्राइंगल सेकंड वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई देख लेते हैं। इसमें हमारा डी ई का स्क्वायर क्या बराबर क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें, डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, तो ये मैंने x माना था, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो मेरा ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 10000, मतलब 10000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी। 100 किस ऑप्शन में दिया, 100 मीटर फोर्थ वाले में दिया बच्चों, तो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।